हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ओवरव्यू करेंगे ऑयल एंड गैस फील्ड का और डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखेंगे ऑयल एंड गैस फील्ड में। ये देखें सामने एक बोट है जो कि अपने फायर होस का टेस्ट कर रही है। ये फायर होस के प्रेशर को टेस्ट कर रही है कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। तो ये एक ऑफशोर की फील्ड है, ये ओपन सी है जहाँ पे दूर दूर तक समंदर पानी ही पानी है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं बोट्स। ये सामने आप देख सकते हैं गाइस, ये एक सऊदी अरामको की रिग है जो के ड्रिलिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। ये सामने एक बार्ज है जिसके अतराफ में काफ़ी सारी बोट्स हैं। यहाँ पे बोट्स मटेरियल ला के लाती और ले जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बोट भी खड़ी हुई हैं। ये एक सऊदी अरामको की एक रिग है जो के ऑयल एंड गैस के को रिफाइन वगैरह कर रहे होते हैं और प्रेशर को मॉनिटर कर रही होती हैं ये रिग। ये सामने से एक बोट जा रही है, ये ओपन सी है, यहाँ पे बोटों की मूवमेंट होती रहती है, इन आउट होती रहती हैं बोट्स। ये सामने भी देख सकते हैं आप, ये एक बोट खड़ी हुई है। तो ये भी एक सामने से बोट आ रही है, डिफरेंट वेसल्स यहाँ पे मूव कर रही हैं क्योंकि ये ऑफशोर का एरिया है। यहाँ पे मुख्तलिफ रिग्स हैं, ड्रिलिंग होती है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेसल्स की इनकमिंग आउटगोइंग होती रहती है। आप देख सकते हैं मैं भी ऑलरेडी एक बोट पे ही मौजूद हूँ। ये इसकी विंच लगी हुई है बोट की, जिसकी मदद से बोट को लंगर अंदोज किया जाता है। ये देख सकते हैं गाइस, ये एक प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म के साथ एक बार्ज लगी हुई है इस प्लेटफार्म की मेंटेनेंस के लिए। इस प्लेटफार्म की जब कोई मेंटेनेंस वगैरह होती है तो यहाँ पे बार्ज इसके साथ आके लग जाती है, जो कि ये जैकअप बार्ज कहलाती हैं। ये अप डाउन हो सकती हैं बार्जेस, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये भी एक स्टेशन है। ऊपर इसके सोलर प्लेट लगी हुई है जो कि इसके लाइट्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। सामने एक जैकअप बार्ज है, ये भी एक जैकअप बार्ज है गाइस। ये ओपन सी का एरिया है, यहाँ पे ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड स्टेशन और प्लेटफार्म बने हुए हैं और डिफरेंट किस्म की बार्जेस वगैरह भी लगी हुई हैं प्लेटफार्म्स की मेंटेनेंस के लिए और बोट्स की कमिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग होती रहती है। ये सामने देख सकते हैं आप, ये भी एक बार्ज है, ये भी जैकब बार्ज कहलाती है। ये एक स्टेशन के साथ लगी हुई है। जब भी कोई स्टेशन की मेंटेनेंस का काम होता है, पेंटिंग ब्लास्टिंग या रिपेयरिंग या मेंटेनेंस किसी किस्म का भी, तो ये बार्जेज स्टेशन के साथ लग जाती हैं और उनकी मेंटेनेंस पेंटिंग ब्लास्टिंग वगैरह का काम होता है उन पे। और यहाँ पे सेफ्टी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, फुल सेफ एनवायरनमेंट के अंदर काम होता है जो भी काम होता है, क्योंकि ऑयल एंड गैस बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो एक्सप्लोड हो सकती है, बिग एक्सप्लोजन हो सकती है यहाँ पे। इस वजह से सेफ्टी को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। तो ये देख सकते हैं गाइस आप, डिफरेंट किस्म की रिग्स स्टेशनों के आसपास बोट्सों की आमदोरफ्त का सिलसिला लगा हुआ है। ये बोट्स मटेरियल ला के लाती ले जाती हैं बार्जिस को और स्टेशंस के लिए मटेरियल लाती और ले जाती हैं। तो
देख सकते हैं चारों तरफ समंदर है, पानी ही पानी है, हर तरफ पानी है, दूर दूर तक कोई यहाँ पे ड्राई एरिया आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक बोट है जिस पे हम वापसी के लिए चल पड़े हैं गाइस। इस बोट से हम वापसी की मंजिल तय कर रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल W इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।